broken home. I gave you all the bricks that I own and know. What's up guys, this is Mr. Ray, as you all know. So वापस से हम लोग एक और ट्रिप के लिए आए हैं बलूचिस्तान के, और एज़ यू नो कि लास्ट टाइम मैंने इतना अच्छे क्लिप्स नहीं बना पाया था. सो दिस टाइम ये है कि मैं अच्छी क्लिप्स बनाऊंगा और आप लोग एक प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट करूंगा. होटल है चाय का जिस जगह पर हम लोग आए हुए हैं. अभी हम लोग चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद ये कि हम तीन बाइकें इस बार लेके आए, इस बार दो बाइकें जो है वो नहीं आ पाई जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस. तो जो हमारे साथ आए हैं बॉयज, एक तो हमारे उस्मान भाई है, एक हमारे ये उस्मान भाई हैं, और एक हमजा भाई हमारे साथ आया. आप दोनों को जानते होंगे, तो जान लीजिए सर, ये दोनों बहुत काम के बंदे हैं, आप लोगों को पता नहीं है. और हाँ, सेकेंडली ये वॉच आप जो देख रहे ना, इसकी कहानी मैं आपको जाके बताऊंगा जब सुबह हो जाएगी. तो जब हम लोग पहुंचेंगे धाम तो मैं आपको बताऊंगा. आई करेक्ट अगेन, ये जो है ये 125G है, ये उस्मान की है, ये जो है ये मेरी है, दैट्स 125G, ये हमजा भाई की है, ये ESV 125 ESV 5. सो बस हमारा मोस्ट प्रॉबली प्लान ये है कि हम लोग 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंच जाएंगे धाम, इतना है भरोसा. धाम पहुंचने वहाँ को बताऊंगा कि वहाँ का सीन क्या है. व्हाट वाज द रीज़न के हमें उस जगह ने अट्रैक्ट किया कि हम लोग वापस बलूचिस्तान है, तो अब आप देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चाय पिए. सो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं गोथ हुसैन करके नाम कुछ है, वहां हम पहुंच चुके हैं. इधर अभी से हल्का फुल्का यू नो लाइक थोड़ा सा डेजर्ट टाइप आया है. द थिंग इज कि मैं इस वजह से जो है डाम आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ पर जो है काफ़ी डेजर्ट एरिया है, और डेजर्ट एरिया के साथ साथ ही जो है वो समंदर अटैच है. ये रोड है जिस रोड से हम लोग आए हैं, वो हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं, और हमने जाना है इस तरफ. ये समंदर है, एक्चुअली समंदर के साथ ये हुआ है, हाई टाइड जब होती है तो पूरा पानी यहाँ तक आ जाता है, पूरा इस एज तक भर जाता है, और ये जितनी कश्तियाँ आपके सामने खड़ी हुई हैं ये सब पानी के लेवल से ऊपर आ जाती हैं. तो ये सीन होता है. अभी पता नहीं क्या कहानी है इसकी, तो बस हम आप आगे निकलेंगे और जाके देखते हैं कि क्या मामला चलता है. देखो किधर आ गए हम. चेक इट आउट. ये नाउ दैट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड दाम, जो एक्चुअली आपको बता रहा था मैंने कि मैं कहा आ रहा हूँ ये जगह. नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल समथिंग. राइट नाउ टाइम लैप्स लगे हुए मेरे, टाइम लैप्स जैसे हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को वीडियो शूट हो जाएगी, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी. सेकेंडली उस्मान भाई, इन्होंने जितनी जतन की है ना यहाँ तक आने में, सबसे पहले तो इनसे बात करेंगे. कैसा फील आपने किया जब आप चौड़े में बोल रहे थे कि हम रेत के ऊपर चढ़ाई देखेंगे, वो हुआ क्या था वो? यार एक्चुअली मैं इसको हाया भूसा समझ रहा था, बट 125 निकली. हाया भूसा ही समझ रहे थे ना? समझ गए, ठीक है. अच्छा, अब ये हमारे हमजा भाई, ये बोले जाए आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, अबे एंड नहीं है वो, देखो कहाँ एंड है, कहाँ आगे जाते जाओ, ये देखो इनको, ये बोल रहा है आगे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ. ट्रिप में एडवेंचर नहीं, वो ट्रिप नहीं जो बात है उसमें. लेकिन यार इट्स वर्थ कमिंग हियर मैन. सो डेजर्ट में आके आप एक चीज भूल जाओ, वो क्या है? ऑलराइट, ओके, अब 1 2 3 गो.
समथिंग मैन. सो मैं कोशिश करता हूँ उस तरफ जाने की, वहाँ से थोड़े शॉट्स लेता हूँ. और बाकी ये है कि बाइक आपके सामने जा रही, बाइकों की इतनी बुरी हालत होगी, मैं आपको पहले प्रिकॉशन दे देता हूँ. कम अज़ कम मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा, कम अज़ कम 1 से 1.5 किलोमीटर या शायद 2 किलोमीटर हमने जो है बाइक चलाई है, पूरा रेत, पूरी रेत पे चलाई है. इट वॉज और ये ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स को हम चला के लाए. ट्रस्ट मी, वीडियो में आप देख रहे हैं, आपको वीडियो में देखने में लगेगा कि ये बहुत ईजी है, और ट्रस्ट मी इतना मुश्किल हमारे लिए था. लिटरली हमारी बाइक जितनी है वो सब इतनी गर्म हो गई हैं, इतनी हीटअप हो गई हैं कि आई कैन टेल यू सीरियसली. बट ये है कि इट्स वर्थ कमिंग हियर. लिटरली इधर के रेत जो है, आई डोंट नो कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कितने सालों में इतनी रेत जो है वो आई है. 7:20 पे हम लोग यहाँ पहुँच, हम लोग 7 बजे पहुँच गए थे, एक्चुअली 7:20 हमें यहाँ हो गए. एंड राइट नाउ मैं जो है पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज वे मोर डिफिकल्ट एज यू कैन सी. पता नहीं कैसे यहाँ लोग ये पहाड़ चढ़ते हैं, एंड लिटरली इट्स सो डेंजरस कि लगता है कि बस आप जो अंदर धस जाओगे. अब आप देखते जाएं, हमजा भाई और उस्मान आ रहे हैं. सी अभी से आवाज़ें निकल गई होंगी, मेरी यहाँ सांसें फूल गई हैं. लिटरली इतना मुश्किल है ना गाइस. इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, सो दैट्स हाउ यू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स. नाउ यू सी कैसे बेचारे आ रहे हैं. इट्स लेट. तो भाई ये सीन है. अब खैर एक एक मसला है, हम तीनों तो यहाँ आ गए हैं, हमारी बाइकें वहाँ हैं, हमारी बाइक की चाबियाँ वहाँ पर हैं, हमारे बाइक दोनों ट्राइपॉड वहाँ लगे हैं, हमारे दोनों मोबाइल से वहाँ पर टाइम लैप्स बन रहे हैं. कोई भी भागते भागते आ सकता हूँ आके, मतलब डेजर्ट, डेजर्ट के साथ आपका समंदर है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ धाम. आई डोंट नो और पाकिस्तान में कहीं हो या ना हो, या किसी और मुल्क में हो या ना हो, आई डोंट नो, बट जो मैंने यहाँ देखा है दैट्स वर्थ वॉचिंग, ट्रस्ट मी गाइस. सो डू कम ओवर हियर अगर इतनी थप्पड़ है तो. बहुत बहुत मुश्किल है सब. जिगरा चाहिए और तिगरा चाहिए, चुगड़े का कुछ भी नहीं. सो गाइस हम लोग ने अपना काम खत्म कर लिया, टाइम लैप्स बन गए हैं, शूट्स हो रही हैं, पिक्चर्स खींच रही हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारी पिक्चर्स खींची हैं. ज़रूर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा, लिंक नीचे होगी आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको मिलेंगे मेरी फोटोज़, जो फोटोज़ मैंने उस जगह डेजर्ट के ऊपर जाके मैंने पिक्चर्स ली. यार एक काम तो रह गया यार वैसे हमारा, एक्चुअली हमजा भाई लास्ट व्लॉग में भी आपने हमारे व्लॉग को बड़े बेहतरीन तरीके से एंड किया था. सो व्हाई नॉट, अब हम निकलने ही वाले हैं तो क्यों ना सर. प्लीज सर देखें, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, मैं अपनी जो पुरानी वाली एक कथा है ना उसको जो है वो रिपीट करना चाहूँगा. अर्ज किया, अब आप बस जो है वो गौर फरमाइए. धूप भी हो रही है, हम जल रहे हैं. नजर डालें हम अगर सामने, नजर डालें हम अगर सामने, ये पकड़े. ओके नजर डालें हम सामने, तो आप देखें जरा, अब आप जरा कैमरा घुमाइए. पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी. और फिर उधर अब आप देखें अगर हमारे पीछे, तो सहरा ही सहरा, सहरा ही सहरा, सहरा ही सहरा. सो लास्ट थिंग जो हमजा भाई बोलेंगे हम सबको, वो आप सुन लें. लास्ट टाइम भी आपने सुना होगा, इस टाइम भी आप सुना. एंड फिर हम लोग तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम चलते हैं और आप चलते हैं. ठीक है सर, साहब सी सुनूंगा. I'm telling you.